बहुत अच्छे से आ रही है। बहुत बहुत मुबारकबाद। ये बायो बबल नहीं होता तो फिर यहाँ बीच में बुला के आपको हाई फाइव देते, लेकिन थैंक यू जड्डू, द रविंद्र जडेजा टेस्ट मैच में हमें आने का मौका मिला। नहीं नहीं बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ऐसा मैच बहुत ही कम जाता है कि बैटिंग में आप इतने रन भी मारो और विकेट भी लो, तो नहीं बस अच्छा हुआ, बस यही मोमेंटम कंटिन्यू करने को देखूंगा। जड्डू, जो हमने आपकी बातचीत सुनी कल मयंक अग्रवाल के साथ, एक बहुत अच्छा इंटरव्यू था, उसमें आपने बोला कि कुछ बदला नहीं तकनीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ थोड़ी सोच जो पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में हुआ करती थी, किस दौर में यू नो आप वो सोचने लगे कि मैंने इतने रन बनाए, मैंने 3 13 शतक बनाए, कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वही मुझे करना चाहिए? वाज देयर अ फेज, कोई मोमेंट? नहीं, सी रणजी ट्रॉफी में मतलब मैं 4 नंबर बैटिंग करता था, जितने भी मेरे 300 ऐसे मतलब 4 नंबर पे मैंने बनाए, तो मेरे पीछे 8 तक मतलब बैट्समैन रहते हैं, तो मेरे पास इतना टाइम रहता है कि मैं अपना इनिंग लंबा खेल सकूँ। बट इधर थोड़ा अलग सिचुएशन होती है कि कभी 7 कभी 8, बट तो इतना लंबा मौका नहीं मिलता है। बट लकीली ये मैच में तो जो भी मेरे साथ आ रहा था वो 100 रन की पार्टनरशिप कर रहा था, तो इस बार अलग ही हुआ। बट हर बार ऐसा नहीं होता है कि जो भी बैट्समैन आ रहा है वो 100 रन की पार्टनरशिप करे, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतना लंबा इनिंग खेला इंडिया के लिए और कंट्रीब्यूट किया। हमें मजा आया। संजय भाई एक सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन हमने अपने व्यूअर्स से कहा था, निशांत ने एक क्वेश्चन पूछा, हम भी देखते रहे, हमें दिख रहा था कुलदीप यादव, रोहित शर्मा, बीच में आप। निशांत ने पूछा आपके मन में वो 200 चल रहा था, और क्या कुलदीप जो मैसेज लेके गए आपने कुछ और ही मैसेज दिया उन्हें? नहीं, मैंने ये बोला था क्योंकि ऑलरेडी वो 2 दिन तक ग्राउंड पे थे, तो ऐसे फील्डिंग टीम पता है कि बैट्समैन उनके जो होते हैं वो थक जाते हैं, पैर इतने हिलते नहीं है, तो बस यही था कि उनको वो टाइम पे अगर बैटिंग करने का मौका दे तो जो हमें इनिशियल उनके जो टॉप 4-5 बैट्समैन है उनकी विकेट लेने का मौका मिल सकता है, तो वही थिंकिंग था उसके पीछे, और लकीली उस दिन हमने 4 विकेट ले लिए, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। जड्डू, एक सवाल है, जब मैसेज कुलदीप यादव लेके आया था तो वापस मैसेज नहीं भेजा था यार, डिक्लेरेशन बाद में करना, पहले 200 बना ले, तो बहुत वक्त है। नहीं, मन तो कर रहा था कि मैं देखूं ही नहीं ड्रेसिंग रूम तक, बट नहीं, टीम गेम है, जो टीम डिमांड करती है, जो टीम का सिचुएशन होता है उस हिसाब से थोड़ा सोचना पड़ता है, बट जो भी था जैसे भी था मैं ओवरऑल खुश हूँ, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था कि जब मैं बैटिंग कर रहा था तो विकेट से इतना कुछ हेल्प नहीं था स्पिनर्स के लिए, बट जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा तो बॉल घूमने भी लगा और नीचे भी रहने लगा, तो उसके सेकेंड इनिंग में ज़्यादा ही कुछ हो रहा था, बट जब मैं बैटिंग कर रहा था तब इतना नहीं हो रहा था कुछ।